हेलो गाइस, वीडियो तो करो। ऑलरेडी वीडियो है। क्यों करोगे? नहीं, मैं तो, तुम बोलो कुछ। इधर सामने ये वेदांता ग्रीन्स का पानी इकट्ठा हो जाता है रैमली, और अब हम थोड़ी देर में जाएंगे घूमने इनको, बच्चों को छोड़ते हुए फिर हम निकल जाएंगे मॉर्निंग वॉक पे हस्बैंड और मैं। फिर वहाँ पे जैसे भी जो भी रहता है हम दिखाते हैं आपको, है ना। अभी ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं, इधर भाग रहा है। कहाँ रनिंग कर रहे हो? ये देखो सुबह सुबह और कोई काम नहीं है, टफी भी आ जाता है इनके पास। हाँ, इसकी आउच बड़ी हो जाती है। चलो अब आ ही रही होगी वैन, हम मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। आज हम आए हैं दूसरे पार्क में, इधर द्वारका सेक्टर 14 के पार्क में। घूमते घूमते मॉर्निंग वॉक करते करते थक गए थे, आउच, तो सोचा कि इधर जिम एरिया दिखाती हूँ मैं आपको। ये जिम एरिया है ना, जो यहाँ पर अभी हम जिम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स किया। अभी हमने सोचा कि चल के आए हैं तो थोड़ा सा बैठ जाएं, तो बैठने के बाद अब हम जिम करेंगे। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, इतनी धुंध हो रही है ना। आज डेट है 22 फरवरी, फिर भी इतनी धुंध है यहाँ पर। जाते जाते भी सर्दी दोबारा से आ रही है, ऐसा लग रहा है। अच्छे भले हमने ना समर्स के क्लोथ शुरू कर दिए थे, पर अब फिर मुझे लगता है कि हमें यही कपड़े सर्दी के फिर दोबारा से पहनने पड़ेंगे। अभी मैंने स्टॉल कैरी कर रखा है, ऑल दो मैंने टी शर्ट पहन रखी है, पर टी शर्ट के ऊपर मैंने ये स्टॉल कैरी किया है क्योंकि ठंड से बचना था, तो इसलिए। आइए अब देखते हैं हम जिम कर पा रहे हैं। हिम्मत है, मेरी तो हिम्मत नहीं है, हस्बैंड की ज़रूर हिम्मत होगी। ये भी बैठे हुए हैं, ये अभी मूड बना रहे हैं कि हाँ। रैमली वापस जा रहे हैं हम। मुझे ना वहाँ पर जिम एरिया में इतनी ठंड लग रही थी, तो मैंने इनसे अब इनकी स्वेटशर्ट उतरवा के फिर खुद डालिया, क्योंकि इन्होंने अंदर वैसे ही वूलन का डाल रखा था, पर मैं तो जैसे आपको पहले बताया टी शर्ट ही पहन के आई थी, तो इसलिए अब थोड़ा ठीक लग रहा है, कोजी लग रहा है। वापस जा रहे हैं अब हम, थक गए हैं चूर। आज जिम स्टार्ट किया, देखती हूँ मैं कितने टाइम तक कर पाती हूँ। वैसे वॉक तो मेरा फेवरेट है ही है, आपको पता है, पर जिम आज मैंने पहली बार किया है यहाँ पर। मुझे पता भी नहीं है कैसे करते हैं कैसे नहीं, बताना आप क्या कमी थी, क्या करना चाहिए था मुझे। वापस आ रहे हैं, और धुंध इतनी है, फॉग बहुत ज़्यादा है। मैं अब आपको दिखाती हूँ यहाँ से अंदर की फॉग, देख रहे हैं आप, पूरे में कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, इसीलिए तो मुझे ठंड लग रही थी, है ना। अब हम निकलते हुए यहाँ से निकल गए हैं। ये बाहर भी देखो, इधर भी फॉग है। मेट्रो स्टेशन के पास है हम द्वारका, इधर भी फॉग है। आओ आज आपको लेके चले, हमारे यहाँ पर भागवत कथा का आरंभ हुआ है। इस भागवत कथा में कैसे हम गए, वो कैसे एंजॉय किया, वो आप आइए देखिए मेरे साथ। नैमी शारण्य के पुण्य भूमि में श्री सुख जी महाराज पधारते हैं, जहाँ 88,000 स्वर्णकालि ऋषि हैं। हजारों हजार वर्ष नैमी शारण्य के पुण्य भूमि पर जग हुए थे पहले। ये जग की भूमि है नैमी शारण्य, जहाँ 10-10
10,000 वर्ष तक जग करने का एक बार में संकल्प होता था। 10,000 वर्ष तक जग चलेंगे और इतने दिन तक कथाएं होती रहेंगी। इतने बड़े बड़े जग हुए नैमी शरण में, वहां सूर्य जी महाराज पधारे हैं। नैमिषे सुतमासे नमः विवाद्य महामते कथामृत रस स्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। जब सूर्य जी महाराज वहां पर पधारे, उनका स्वागत किया 88,000 ऋषियों ने और सूर्य जी से ही कथा शारम मम कर्ण रसाय। हे सूर्य जी महाराज, अज्ञान भ्रांत विध्वंस, जो अज्ञान का भ्रांत है, जो हमारे ऊपर मानस पटल पर अज्ञान आच्छादित है, इनको भगाने के लिए, अज्ञान हटाने के लिए आपके पास कोटि सूर्य समान प्रभाव, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान है। अंधेरा कैसे जाता है? अंधेरा जो है कि रात्रि, अंधेरा होगा तो रात्रि होगी, और अंधेरा और रात्रि भगाने के लिए आदमी क्या करता है? एक बात लोग प्रतीक्षा कर लीजिए, अपने स्थान पर घूम जाए सभी लोग, जो भी भक्त आए हैं भागवत में अपने स्थान पर एक बार घूम जाए। या निवानी से भाभा जन्मान दान कथा जा दान सुनवाणी नष्ट भिक्षायाम पदे पदे